यहाँ तो चुक दे फटे हो गए और सारे फटे फुटे चुक चाक के ले गए वो अपने यहाँ से। अच्छा जी, खबर ये है कि ब्रैडबर्न ने रिजाइन कर दिया है पीसीबी से एज अ हाई परफॉर्मेंस कोच। फाइनली उनको ग्राउंड किया गया था। जो वर्ल्ड कप में हमारी शर्मनाक परफॉर्मेंस थी इंडिया में जाके, जिस तरह का गंदा हम खेल कर आए थे, उसके बाद ये बड़ी तंज हुई कि जी आपने इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल कोचेस हायर किए हैं, वो आपको परफॉर्म करवा के नहीं दे रहे हैं, वो आपकी टीम की परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद मिकी आर्थर के लिए ये फैसला किया गया और ब्रैडबर्न के लिए कि जी आपको जाने की जरूरत नहीं है कि टीम के साथ किसी भी दौरे में, इतने ही रहो, तुसी इतने ही रहना है, इतने ही काम करना है। तो वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बेचारे आइसोलेट होकर रह गए थे और आई एम श्योर वो इसलिए किया गया डिसीजन कि भाई हम आपको नहीं निकालेंगे, आप खुद ही बोरिया इस तरह बांधे और गोल हो जाए इधर से। अच्छा, उसके बाद हम लग तो रहा था कि इस तरह का कोई डिसीजन आना है और जब टीम डायरेक्टर बनाया गया मोहम्मद हफीज को, और फिर उसके बाद हमने देखा कि सारी की सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो लोकल लोगों को दी गई। अब हमें तो ये बात पता है कि पीसीबी सारे डिसीजन प्रेशर की वजह से लेता है, उसका अपना तो कोई आइडियोलॉजी, दिमाग और माइंडसेट और किस तरह से पॉलिसी को लेकर चलना ये कुछ है नहीं है। तो जो मीडिया ज्यादा बातें करता है, जो चीज़ ट्विटर पर ज्यादा ट्रेंड करने लग जाती है, वो फैसला कर लिया जाता है। भाई यही हाल है हमारी पीसीबी का, इसीलिए ये फैसला कर लिया गया था। फैसला तो कर लिया गया था, अब हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। 2018 में असिस्टेंट कोच के तौर पर आए, 2020 में इनको दे दी गई प्रमोशन और बना दिया गया हाई परफॉर्मेंस कोच। हाई परफॉर्मेंस कोच जो है वो तीन साल के अंदर जब कुछ भी नहीं कर पाया, एशिया कप में जब टीम आपकी क्वालिफाई नहीं करी, तो उसके बाद इन पर बड़ी तनकीद हुई। फिर ऑस्ट्रेलिया में गए थे हम वाइट बॉल का एक फॉर्मेट खेलने के लिए, आपने देखा था कि वहां पर जब सारी टीमें ये बड़े बड़े जो है छक्के चौके लगा रहे थे, तो हमारी टीम का छक्का वो उधर तक भी नहीं जा रहा था। तो इसकी वजह से सवाल उठा कि भाई क्या पहले से नहीं पता था, पहले से नहीं पता था मिकी आर्थर वहां है, ब्रैडबर्न है, क्या मतलब इन्होंने सिखाया नहीं प्लेयर्स को, कुछ बताया नहीं, कोई स्टडी नहीं है, कोई सर्च नहीं थी, क्योंकि ये वाली टीम तो इतना ज्यादा खेली भी नहीं है वहां जाकर। तो ये बड़ी तनकीद हुई। फिर कुछ पुराने प्लेयर्स थे जिन्होंने कुछ चंद एक ने परफॉर्म भी करके दिया वहां पर, वही सीनियर प्लेयर्स जिनको आज हम देख रहे हैं कि उनको थोड़ी सी बागदौड़ दी गई है पीसीबी की। ये था असल मुद्दा। अब जब इनके ऊपर इतनी ज्यादा तनकीद हुई तो फिर पीसीबी को कोई डिसीजन तो लेना ही था। अब उसके आगे क्या है, उसके आगे जो अब उन्होंने डिसीजन लिया है वो मैं आपको बताती हूँ। ये सारी बातें तो शायद आपको पता होगी, आपको ये नहीं पता होगा कि भाई वो अब ज्वाइन कर रहे हैं वेल्श काउंटी, और वेल्श काउंटी की ग्लैमॉगन टीम है, उसका हिस्सा वो बनने जा रहे हैं, जो कि अभी लास्ट जो दो फॉर्मेट हुए हैं वाइट बॉल के उसमें फिफ्थ पे एंड की है उसने, जहां तक मुझे आता है डिवीजन टू के जो मैचेस हुए थे उसके अंदर, जिसके बाद उनको परेशानी लगी थी कि किसी और को लेकर आओ। मेरा सवाल यह है कि अभी से तो बहुत सारे लोगों ने पहले से ही जज कर लिया ना कि यार देखो बड़ा मसला होता है, पाकिस्तानी बॉलर, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको अंग्रेजी नहीं आती, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनका माइंडसेट डिफरेंट है, इन लोग ये लोग डिफरेंट तरह के होते हैं, दोनों का माइंडसेट नहीं मिल पाता। इसी सारी तनकीद के बीच जब मिकी आर्थर को लगा कि बेटा अब तो जॉब जाने लगी है तो अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्रेसिंग रूम के अंदर की आपने देखा होगा वो बातें करते हुए प्लेयर्स से, वो सारी वीडियोज जो है वो रिलीज होना शुरू हो गई। कहे यहाँ पर फिर तनकीद हुई कि भाई आप काम करें, ये क्या आप सोशल मीडिया की जो है वो जीनत बने हुए, आप अपना काम करें जो काम आप करने आए हैं। तो इस तरह की बातें जो है उनके बारे में बड़ी होती रही, बड़ी तनकीद हुई, और ये जो बड़े बड़े नाम हैं उनको मतलब बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंका गया पाकिस्तान के अंदर। मेरा सवाल ये है कि अगर अब जाके वेल्श काउंटी के अंदर ये लोग अच्छा परफॉर्म नहीं, ब्रैडबर्न जो है अच्छा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि फिर उस पर एंड हुआ ना, उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मेरा काम है टू ब्रिंग द डिजायर फॉर ग्लैमॉर्गन टू बी कंटेंडर्स इन ऑल फॉर्मेट्स, ठीक है। तो उनको सिर्फ कोचिंग के लिए नहीं आए हैं, वो इस टीम को खड़ा करने आए और इस टीम के अंदर वो डिजायर पैदा करने आए हैं कि भाई तुम जो आसमानों को छू जाओ और हर फॉर्मेट के अंदर तुम छा जाओ, चक दे फट्टे कर दो। तो अब देखते हैं कि वो कितना चक दे फट्टे करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो चुक दे फट्टे हो गए और सारे फट्टे फुट्टे चुक चक के ले गए वो अपने यहाँ से। देखते हैं कि वो जो आने वाले हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि मोहम्मद हफीज साहब तो कुछ नहीं, वो रोज उन्होंने जुर्माने लगाए हुए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि बस के अड्डे पे बैठे हुए हैं, भाई तेरा इतना, दिस इज नॉट हाउ द क्रिकेट इज माइक्रो मैनेज, यू कैन नॉट माइक्रो मैनेज एडल्ट। सारे लड़के हैं, जवान हैं, उनको पता है अपना दिमाग है, अपनी एक सोच है, आपने उनको साथ लेकर चलना है। और फिर रोज बरोज हम देख रहे हैं कि मोहम्मद हफीज जो नई नई लेकर आते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मंतके, उससे वो अगैन एंड अगैन उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, एक चीज। दूसरी चीज, रिजवान जो है वो एज अ वाइस कैप्टन T20 के लिए, अब जो नई सीरीज हमारी होने जा रही है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसके वो वाइस कैप्टन होंगे, जिससे मुझे ये लग रहा है कि अगर वो वाइस कैप्टन है, डज दैट मीन के मोहम्मद हारिस का चांस तो गया, आजम खान का चांस तो गया। तो भैया आप लोगों से दरखास्त है
कि कम से कम इस सीरीज में एक एक मैच उनको भी मौका दे दीजिएगा ताकि पता चल सके कि वो भी किस पानी में है और उनको भी लगे कि अगर वो वहां गए हैं तो बैठने के लिए नहीं गए हैं, ठीक है। और मेरी नजर में तो आपको दोनों को मौका देना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद हारिस का तो मुझे बिल्कुल ही नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ही इज अ यू नो ही इज एन ओपनर। अब यहाँ से हमें तो पता है कि हमारे लिए मोहम्मद रिजवान और बाबर ही ओपन करते हैं, तो बाकियों की तो कोई जगह कोई नहीं है, तो बहुत सारे मसाइल है भाई इधर। तो अब देखना है कि क्या हमारी T20 की परफॉर्मेंस रहती है अच्छी, क्योंकि T20 में तो बड़ा लोग कह रहे हैं कि जी हमारी बेटर परफॉर्मेंस है, तो अगर हमारी उसमें भी गंदी परफॉर्मेंस रही तो फिर बहुत सारों की गंदी हो जाएगी, ये हमें मद्देनजर रखना होगा। अच्छा, अब मुझे अय्यर के लिए बड़ा है, वाइस कैप्टन तो उसे भी बनाया था आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज के लिए, फिर हमें वो आगे नजर ही नहीं आया, वो कहाँ गया, खत्म हो गया। अब वो अफगानिस्तान की सीरीज में तो वो है ही नहीं है कहीं, तो कैसे और क्यों उसको गायब कर दिया गया, क्यों उसके साथ ये हुआ, ये मेरी समझ में नहीं आया। फिर जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में दुबे को रखा गया, फिर अफगानिस्तान की सीरीज में कहीं नजर नहीं आया, साउथ अफ्रीका की सीरीज में कहीं नजर नहीं आया। अब बात यह है कि बेंच पे बैठने के लिए लोग आपने बहुत सारे तैयार कर लिए, लेकिन वो बेंच की जीनत क्यों बने हुए हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। इन प्लेयर्स को खिलाना भी जरूरी है, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने पैसा लगाया है, क्लब को दिया है, और इनके कुछ ख्वाब हैं जिनको पूरा करना इंडियन क्रिकेट बोर्ड की BCCI की जिम्मेदारी है। मेरा सवाल यह है कि प्लेयर्स जब आप लेते हैं, उन्हें फाइनली चुन जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं तो खपाए ना, यूटिलाइज देम समवेयर इन वन सीरीज इन अदर सीरीज। यू कैन नॉट हैव द सेम प्लेयर्स इन वन सीरीज एंड नॉट द अदर्स इन अदर सीरीज, राइट? ठीक है, श्रेयस को आपने मौका उतना नहीं दिया, ही ओनली प्लेड कपल ऑफ मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया T20 में, फिर उसके बाद क्या, सही है? तो ऐसा लगता है मुझे कि देन इफ यू विल हैव टू डिसाइड दैट यू डोंट वांट टू प्ले श्रेयस इन अदर वाइट बॉल फॉर्मेट्स, यू वांट टू कीप हिम टू टेस्ट ओनली, एंड यू वांट टू यूटिलाइज दुबे और नॉट। बिकॉज अभी क्या हुआ, हमने देखा कि मुकेश ने T20 में अच्छा किया, फिर वनडे में जो टेस्ट अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुआ, वहां भी उसे ही मौका दिया गया दोबारा, बाद में जब प्रसिद्ध को वहां से हटाया गया। वेल, प्रसिद्ध एक मैच गालिबन खेले थे मुकेश की एब्सेंस में, T20 जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया में ही वर्ल्ड कप के बाद खेली हमने, तो मेरी नजर में वहां से अगर उसको पिक किया था तो दुबे को भी पूरा पूरा चांस मिलना चाहिए। अब देखना है कि कहाँ उसको यूटिलाइज कर पाते हैं, बिकॉज जहां पाकिस्तान का मसला ये है वो ये कि T20 जो डोमेस्टिक से प्लेयर आ रहे हैं उनको ग्रूम नहीं किया जा रहा आगे इंटरनेशनल के लिए, और मौके बहुत कम मिलते हैं। वेयर एज इंडिया का मसला ये है कि इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत सारे प्लेयर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, सो मच सो कि उनको मैनेज नहीं किया जा रहा है कि कहाँ खिलाना है, किसको खिलाना है, किसको मौका दिया जाए, कब दिया जाए, बट एवरीबडी इज ग्रोइंग एट द सेम टाइम। तो ये ना हो कि कहीं आप भी पाकिस्तान की तरह बहुत सारे प्लेयर्स को जाया कर दें, क्योंकि ये पाकिस्तान का शेवा है, इसी का ही रहने दें। इंडिया हैज लर्नड अ लॉट। और एक और बात जो एडम गिलक्रिस्ट ने की कि एशिया की सबसे गंदी तरीन पाकिस्तानी टीम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में आके जिसने परफॉर्म किया है, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जिस तरह से कमबैक किया इंडिया ने, वो कमबैक पाकिस्तान ने किसी मैच के अंदर नहीं किया। मुझसे पिछले शो के बाद चंद एक लोगों ने ये बात की कि आपने बात नहीं की कि पाकिस्तान क्यों हारा। भाई, पाकिस्तान टेस्ट सीरीज इसलिए हारा क्योंकि आपके ओपनर नहीं चले, आपका अपर मिडल ऑर्डर पथेटिक था, उसने बिल्कुल परफॉर्म करके आपको नहीं दिया, प्रोड्यूस करके नहीं दिया। एक दो जगह जहां पर आपके ओपनर्स आपको स्टार्ट करके भी दे रहे थे, वहां पर आकर बाबर आजम एंड ऑन द फोर्थ विकेट आपको वो सपोर्ट नहीं मिली, सरफराज ने आपको बीच में वो स्टेबिलिटी नहीं दी, रिजवान के आने से आपको वो बीच में स्टेबिलिटी मिली, लेकिन फिर आपके अपर ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया। दूसरी वजह, आपका स्पिन अटैक पथेटिक था, अबरार के होने की वजह से, अनफिट होने की वजह से यू डिड नॉट हैड एनीथिंग प्लान्ड, और इवन देन जब आपके पास वहां साजिद मौजूद था आपने उसे नहीं खिलाया। सो दीज वर द रीजंस वी लॉस्ट, बट नेवरदलेस वी हैव अ T20 सीरीज टू गो फॉरवर्ड। आई हैव गिवन माई सजेशन, लेट्स सी PCB क्या करता है, क्या डिसीजन मोहम्मद हफीज लेते हैं।